का राधे राधे सभी कृष्णवस को, अविश्वास में आपका स्वागत है। और अविश्वास के सभी वीडियोस को देखने के लिए, कानूनन उससे रिलेटेड सभी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अविश्वास और बेल बटन दबाना ना भूलें। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे लड्डू गोपाल यानी ठाकुर जी की ड्रेस। तो ये मेरे 6 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस है, यानी मेरे कन्नू का ड्रेस है। ऐसे ही मैं सेम टू सेम छोटा बनाऊंगी। तो मैं इसको नेट में बनाने जा रही हूँ क्योंकि तेज स्पेशल ड्रेस बन रही है। तो ये है नेट जो मैं जिसकी ड्रेस, ये इसके अंदर एक सिल्क का कपड़ा और ये इसके नीचे आप देख रहे हैं कि अस्तर लगाऊंगी मैं 3 लेयर लगाऊंगी, ये और फिर ये, ठीक है। इस पर मैं लेस भी लगाऊंगी, लेस भी आपको मैं अभी दिखा दूंगी जब मैं लगाऊंगी। तो हम ड्रेस बनाएंगे। तो आपको क्या करना है ड्रेस बनाने के लिए, अगर आप अदर नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसकी ये अंदर से कमर नाप लें। मेरे कन्नू की 7.5 है तो मैं 7 के जो ये घेरा है 7 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो जितना भी आता है 42-44 मैं उस हिसाब से ये घेरे की लंबाई काट लूंगी, ठीक है। और चौड़ाई मैंने 6 से 6.5 लिए, आप अपने बाबू की ड्रेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं क्योंकि मेरे 6 नंबर के बाबू हैं तो 6 से 6.5 ले सकते हैं, 5 नंबर के तो 5, क्योंकि जो ऐसे डायमीटर होता है ना इसका, इस तरीके से ये 6 का 12 आता है, 5 का 10 आता है, जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, इस तरीके से हम इंची टेप रखते हैं, तो ठीक है ना। 4 का 8 आता है, 3 का 6 आता है, 2 का 4 आता है, 1 का 3 आता है, इस तरीके से 3 या 4 इस तरीके से आप बना सकते हैं। और आपको बाबू के ही शोल्डर नाप लेने हैं, ठीक है, और इसकी लेंथ नाप लेनी है यहाँ से यहाँ तक, और फिर बाद में 1 इंच प्लस कर देना है कटिंग में क्योंकि 1/2 इंच यहाँ दब जाता है और 1/2 इंच यहाँ दब जाता है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से लेंगे कि जो कपड़ा होगा ये बनने के बाद में, तैयार होने के बाद में 8 हो जाने चाहिए 4 पल्ले सिलने के बाद, और यहाँ पर हम कटिंग करेंगे टोटल मिला जुला के 7.5 आ जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप ड्रेस बनाएंगे। अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं प्रॉपरली आपको एक साइज लेना सिखा दूंगी। तो ये ड्रेस मैंने सिर्फ एक डेमो के लिए आप सभी को दिखाया है। मैं अब आपको ड्रेस की कटिंग बताऊंगी मुझे कैसे करनी है कन्नू के लिए, यानी 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए। तो ये मैंने अस्तर पे यहाँ पर 7 इंची का निशान लगाया है क्योंकि मुझे 6 से 6.5 बनाना है, तो मैं इसमें 1/2 इंच सिलाई लगा करके पलटूंगी, तो ये इस तरीके से ये 6.5 ही रह जाएगा, फिर ऊपर का 1/2 इंच बाबू के कमर में टॉप टकिंग में चला जाएगा, तो टोटल ये 6 से 6.5 के करीब तैयार हो जाता है। तो मैं अब इसको, ये 15 है एक तरफ से तो दोनों तरफ से मिला करके 30 हुआ, थोड़ा सा मुझे यहाँ से निकाल करके इसका कैलकुलेशन 42 से 44 करना है। तो आप इस तरीके से करके ऐसे मैं ज्वाइंट लगा दूंगी एक तरफ से, सभी कि मैंने ये नेट भी कट कर लिया, सिल्क भी कट कर लिया और ये भी कट कर लिया। तो ये 7 है, ये भी 7 है, ये 42.5 इंचेस है टोटल, जिसमें मेरे बाबू की ड्रेस कंप्लीट कंफर्टेबली बन जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ बाद में, अभी पहले हम इसको जोड़ करके घेरा बनाते थे, मैं आपको टॉप बना लूँगी। तो मैंने मैचिंग का धागा लगा लिया है, बिल्कुल ग्रीन कलर, आपको मैचिंग बनाना है, ये मैं अभी अस्तर ज्वाइंट कर रही हूँ इस तरीके से। सिल्क का पल्ला है जो हमने सबसे ऊपर रखा था, फिर उसके बाद ये नेट रखा था, हम इसको इस तरीके से पलट देंगे अभी, तो उस तरह इसके नीचे आ जाएगा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखो, सामने में नेट आ गया है, पीछे में आपका अस्तर आ गया और बीच में आपका सिल्क आ गया, तो आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग आई, देखिए जाए तो। अब मैं इस पर कॉर्नर कॉर्नर फिनिशिंग की सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पर मैंने सिक्योर कर लिया कॉर्नर, देख लीजिए आप कितने बढ़िया तरीके से हुआ। मैं बाद में यहाँ पर ऐसे लेस लगा दूँगी, मैं कॉर्नर तो कुछ नहीं लगा रही, गोटा आप चाहो तो लगा सकते हो। फिर मैं यहाँ पर ऐसे स्ट्रेटली सिलाई कर दूँगी क्योंकि यहाँ का जो आपका एरिया है वो तो जब हम टॉप में ज्वाइंट करेंगे जब कवर हो जाएगा। Thank you.
करके दिखाती हूँ कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से ब्लाउज बना दिया है, मतलब ऊपर का टॉप ये मेरे बाबू की शोल्डर, इसमें आराम से आ जाएंगी, नीचे से अंदर।